नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, इस प्यारी सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल, उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और आलू को यहाँ मैंने बहुत ही छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या इसी तरह रख सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें डाला है हरे मटर। अब यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक। अब यहाँ पे मैं थोड़े से अदरक लूँगी, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं और लहसुन भी डाल सकते हैं, और अगर ये हरे वाले प्याज लहसुन होंगे तो और भी अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, जिसे हम देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे और इसमें से सारी बीजों को निकाल देंगे। इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप निकाल लेंगे। दोस्तों, इसकी स्टफिंग में आप मिक्स वेज की सब्ज़ी मैंने डाली है, वो भी आप देख लीजिए मेरे चैनल पर जाके, उसे भी आप इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर इसे जो मैंने अभी बनाया है वो फिल कर सकते हैं, या चाहे तो आप पनीर, मशरूम, ये सब भी इसमें मिक्स करके फिल कर सकते हैं, और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से सारे बीज निकाल लेंगे और ये कहीं से भी कट वगैरह नहीं लगे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसकी स्टफिंग में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। आप चाट मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर लीजिए तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा हमें और भूनना होगा। बस अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, इसमें मैं डाल रही हूँ दो प्याज, थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च। इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसमें मैं दो कटे हुए टमाटर को ऐड करूँगी। वैसे जो ग्रेवी होती है बनती है वो उबाल कर बनती है, मगर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से ग्रेवी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इसे हम भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च इस्तेमाल की है वो वैसे ही कच्ची ही इस्तेमाल की है। आप चाहें तो शिमला मिर्च को एक बॉयल आने तक उबाल लें, फिर इसमें स्टफिंग को फिल करें। ये देखिए, अब मैं शिमला मिर्च में स्टफिंग को फिल कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी इसमें स्टफिंग फिल करें। इसे दबा लें, ये चम्मच से ही और बहुत ही आसानी से हो रही है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे फिल कर लेना है और इसे आप फ्राई कर लें, और उसके बाद आप चाहें तो इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। बेसन का बैटर तैयार करें और उसमें स्टफिंग वाले शिमला मिर्च को डिप करें और मीडियम स्लो आंच पे फ्राई कर लें। आपके पकौड़े तैयार हैं। उसे टमाटो सॉस के साथ, अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। इस तरीके से हमने इसे फिल कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको एक और दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से आप फिल कर लें। अब यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च की स्टफिंग हो चुकी है। अब हम तेल लेंगे सरसों का, उसमें इसे फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पर ही इसे हमें फ्राई करना होगा दोस्तों। बस इसे उलट पुलट कर आप अच्छी तरीके से भून लीजिए, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक शिमला मिर्च फ्राई हो रहे हैं, मैंने जो प्याज को भूना था उसकी मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने पीस लिया है। फटाफट से शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। अब शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, तो इसे अब हम बस थोड़ी ही देर में निकाल लेंगे। और हमें यहाँ पे लेना है जीरा या मेथी, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे मेथी का तड़का डाला है और एक तेज़पत्ता डाला है। अब यहाँ पे जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसे डालकर फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे फिर से एक बार हम भून लेंगे। कलर देखिए, अभी से ही चेंज हो रहा है इसका। और जो थोड़ा सा बचा हुआ था पेस्ट, उसका भी मैंने पानी मिलाकर इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको फ्राई किए हुए शिमला मिर्च एक बार दिखा रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रेवी में हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसालों के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर,
थोड़े से मिर्च लूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, और थोड़ा सा गरम मसाला। सभी मसालों को हमें भून लेना है अच्छी तरीके से, और जैसे ही इसे हम भून लेंगे फिर इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है किचन किंग पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें और ऐड कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, सभी मसालों को ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़े से पानी मिला दिए हैं और फिर इसे भून लेंगे। अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे, और आप अपने हिसाब से ग्रेवी को जितनी गाढ़ी रखनी चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी मिला लें, और फटाफट से इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए दोस्तों। और जब तक ग्रेवी तैयार होती है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी खाने में, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, इसमें ऐड किया है हमने कसूरी मेथी। दोस्तों वीडियो कट हो गई थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ। सब्जी तैयार हो गई है, अब हम गैस को ऑफ करेंगे, और हरे धनिए से सजाकर हमने इसे सर्व कर लिया है। तो आप इसे नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं।